हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इंग्लिश कोचिंग चैनल पर मैं गिरीश राठौर स्वागत करता हूं। आज यूपी बोर्ड 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेपानगर किस से संबंधित है, और इसमें एक प्रश्न और आप जोड़ देंगे, नेपानगर किस से संबंधित है और किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो नेपानगर जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहें तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो नेपानगर किस से संबंधित है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें किताब से पढ़ने से याद नहीं होता है, सिर दर्द होने लगता है, मन नहीं लगता है, तो आप वीडियो मेरा देख लें 2-3 बार, बस आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो नेपानगर किस से संबंधित है, प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कागज उद्योग से। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर शो किए देता हूँ आपको, ये है कागज उद्योग, यहाँ जा बनेगा कागज उद्योग से। ठीक है, और किस राज्य में है ये भी आ सकता है, तो मध्य प्रदेश में है ये। नेपानगर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कैसे आप याद रखेंगे, देखिए ये जो नेपानगर है इसके मध्य में पान निकलता है। देखिए नेपानगर के मध्य में क्या निकल रहा है, पान, जो कि बहुत से लोग खाते भी हैं। तो नेपानगर के मध्य में निकल रहा पान, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य में पान आ रहा है और कागज उद्योग से ये रिलेटेड है। भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप सभी प्रश्नों को 2-3 बार देखें याद हो जाएंगे, नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत की इस्पात नगरी कौन सा शहर है, या भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है जमशेदपुर। इस्पात नगरी किसको कहते हैं, ये जमशेदपुर को कहते हैं। जो इस्पात नगरी है वो हमें जम गई, क्या हो गया, इस्पात नगरी हमें जम गई, भा गई मेरे मन को। तो इस्पात नगरी कहाँ है, जमशेदपुर में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इस्पात नगरी मुझे जम गई है, तो भारत की इस्पात नगरी होगी जमशेदपुर। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए भारत का मानचेस्टर आ जाए, तो भारत का जो मानचेस्टर है, मानचेस्टर से मतलब आप समझ लीजिए, मानचेस्टर से मतलब होता है प्रमुख औद्योगिक केंद्र। इंग्लिश में मानचेस्टर होता है, हिंदी होती है औद्योगिक केंद्र। यदि औद्योगिक केंद्र की आपसे इंग्लिश पूछी जाए तो मानचेस्टर होता है। तो भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो जो भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है उस पर मुझे अहम है, अहमदाबाद, उस पर मुझे गर्व है। भारत का जो मानचेस्टर है ना, उस पर मुझे क्या है, अहम है, उस पर मुझे गर्व है। तो भारत का मानचेस्टर हो गया अहमदाबाद। उत्तरी भारत का मानचेस्टर जो है, उत्तरी भारत का मानचेस्टर इस ये है कानपुर। कानपुर जो उत्तरी भारत का मानचेस्टर है वो नाक का सवाल है। उत्तरी भारत का जो मानचेस्टर है वो नाक का सवाल है, और नाक को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कानपुर। ठीक है, उत्तरी भारत का मानचेस्टर है वो नाक का सवाल है, तो ये हो गया कानपुर। राउरकेला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, राउरकेला ऊ से हो गया आपका उड़ीसा, ऊ से क्या हो गया, इसमें राउरकेला पूछा गया तो ऊ से हो गया उड़ीसा। तो राउरकेला लौह इस्पात कारखाना कहाँ हो गया, उड़ीसा में हो गया। अगर आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आ रही, अच्छी लग रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पूरा वीडियो देखें। तो राउरकेला कहाँ हो गया, उड़ीसा में हो गया। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको एग्जाम में मिलेगा। मैं आपको बता दूं अभी मैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसके बाद मैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी भी आपको बताऊंगा। तो अब देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और क्योंकि गैर परंपरागत
और परंपरा सॉरी परंपरागत दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए जब गैर परंपरागत आता है तब आप क्या करेंगे, यहां पर मैं बताऊंगा, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। देखिए गैर परंपरागत जो होता है वे ऐसे साधन होते हैं जो प्रेजेंट टाइम के होते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी से बने वो गैर परंपरागत होते हैं, जैसे जो अभी प्रेजेंट टाइम के ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पवन ऊर्जा। ठीक, पवन से ऊर्जा जो तैयार की जाती है तो वो क्या प्राचीन काल से थोड़ी नहीं आ रही है, ये नवीन है, अभी शुरुआत करी गई है। सौर ऊर्जा जो आपने घरों में लगी देखी होगी, सौर ऊर्जा से बहुत बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं, तो ये भी तो प्रेजेंट टाइम में ही तो इसका भी इन्वेंशन हुआ है, पहले प्राचीन समय में ये थोड़ी सौर ऊर्जा थी। तो पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा जो भूमि से भूमि के ताप से जो बनाई जाती है, तो ये प्रेजेंट टाइम में ये शुरुआत हुई है। तो भूतापीय ऊर्जा होगी, तो कौन कौन सी होगी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसके अलावा गोबर गैस भी, प्राचीन समय से थोड़ी गोबर से किसी ने गैस बनाई, तो गोबर गैस से ऊर्जा थोड़ी बनाई गई थी, तो ये प्रेजेंट टाइम की है गोबर गैस। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, गोबर गैस हो गया, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। अब परंपरागत वो साधन है जो प्राचीन समय में ऊर्जा के रूप में यूज करे जाते थे, जैसे कोयले से ट्रेन जो है प्राचीन समय में चलती थी, अब कोई कोयले से नहीं चलती है, तो कोयला ऊर्जा। ठीक है, तो जो कोयले की ऊर्जा है वो परंपरागत होगी, प्राचीन समय की होगी। अच्छा, कोयले के अलावा और खनिज तेल, खनिज तेल की जो ऊर्जा है, कोयला ऊर्जा, खनिज तेल सॉरी खनिज तेल की ऊर्जा होगी। इसके अलावा और कौन सी हो जाएगी, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये हो गए परंपरागत। तो आप बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ लें, गैर परंपरागत यदि ऊर्जा के साधन हैं तो जो प्रेजेंट टाइम के चल रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, और यदि परंपरागत ऊर्जा के साधन पूछे हैं तो जो प्राचीन समय में एंशियंट टाइम में जो थी, जैसे कोयला ऊर्जा है, खनिज तेल है, प्राकृतिक ऊर्जा है। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन से क्या आशय, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अतिलघु उत्तरी में पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भोजन पकाने के लिए, रोशनी व ताप प्रदान करने के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए, आप कैसे याद रखेंगे कि भोजन पकाने के लिए, ठीक, भोजन पकाने के लिए, इसके अलावा है गाड़ियों के संचालन के लिए, रोशनी प्रदान करने के लिए, कारखानों में मशीनों आदि को चलाने के लिए जो ऊर्जा प्रयोग में आती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाती है। समझ रहे, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझिए, रटना आपको नहीं है। देखिए रोशनी प्रदान करने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, भोजन को पकाने के लिए, कारखानों आदि में मशीनों को चलाने के लिए जो ऊर्जा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। बस इसकी सीधी सी डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लें और कई बार वीडियो को सुने, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।